दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य को लेकर के, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक, काउंसलर, एल्डरमैन, लोकसभा के सभी पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी और वार्ड के पदाधिकारियों की आज पूर्ण राज्य आंदोलन को लेकर के तैयारी बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने शिरकत की। अरविंद केजरीवाल जी ने आज बैठक को संबोधित किया और पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से यहाँ के लोगों को आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अधूरा अधिकार मिला हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि इससे प्रचंड बहुमत की सरकार कोई प्रदेश नहीं बना सकता, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए जिस तरह से दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, उसके खिलाफ विधानसभा से लेकर के सड़क तक आम आदमी पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। बैठक में पदाधिकारियों की तरफ से दो बिंदु खास तौर से सामने आए। सरकार को लेकर के जो अड़चनें आ रही हैं वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन आज दिल्ली के छात्र एडमिशन के लिए तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली के छात्रों के एडमिशन की गारंटी दिल्ली सरकार कर सकती है, और दूसरा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, सभी विभागों में वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी पार्टी की आज बैठक में सभी पदाधिकारियों को ये निर्णय लिया गया दिल्ली के लोगों के सम्मान को वापस दिलाने के लिए और दिल्ली के युवाओं को शिक्षा और रोज़गार की गारंटी देने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए अभी दो चरण में आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। आगामी 17 तारीख से 24 तारीख तक दिल्ली में 300 जगहों पर बैठकों का आयोजन आम आदमी पार्टी करेगी, तैयारी बैठकों का। अलग अलग वार्डों में 300 बैठकें हम आयोजित करेंगे। आंदोलन के पहले सप्ताह के लिए हमने 17 से 24 तारीख का समय तय किया है और दूसरे चरण में 1 जुलाई को इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में पूर्ण राज्य के लिए प्रदेश सम्मेलन आम आदमी पार्टी आयोजित करने जा रही है। 1 जुलाई को 3 बजे इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में हम यह सम्मेलन करेंगे और पूरे प्रदेश के सम्मेलन में फिर आंदोलन की अगली रूपरेखा की घोषणा आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन गोपाल जी, 3 साल बाद ही क्यों इस आंदोलन को तेज दिया, पहले क्यों नहीं दिया गया? 3 साल तक हमने कोशिश की, हमने सारी कोशिशें कर ली, हाथ जोड़ लिए, विनती कर लिए, केंद्र सरकार से लेकर के गृह मंत्रालय से लेकर के LGs तक के सारे उपयोग हमने कर लिए, लेकिन आज जिस तरह से पूरी तरफ से चौतरफा दिल्ली के विकास के काम की रफ्तार को ठप किया जा रहा है, इसलिए ये सोचना पड़ा है कि पूर्ण राज्य बनाना है और दिल्ली के काम की रफ्तार को आगे बढ़ाना है। पूर्ण राज्य कैसे बनेगा और किस बेस पे बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत है, सबको पता है, फिर कैसे बनेगा, क्या रास्ता आप लोग? दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तर्क है कि पूर्ण राज्य इसलिए नहीं बनना चाहिए कि दिल्ली में देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी का ये प्रस्ताव है दिल्ली के अंदर NDMC का एरिया, जहाँ पूरे दुनिया के दूतावास हैं, जहाँ केंद्र सरकार के सारे कार्यालय हैं, संसद है, राष्ट्रपति भवन है, जितना NDMC का एरिया है वो केंद्र सरकार के उनके प्रशासन में चलाया जाए, और बाकी जो पूरा दिल्ली है, क्योंकि बुराड़ी में कोई दूतावास नहीं है, बाबरपुर में कोई दूतावास नहीं है, नरेला, नजफगढ़, बवाना, मुंडका, मेहरौली में कोई दूतावास नहीं है, बदरपुर में कोई दूतावास नहीं है, लक्ष्मी नगर में कोई दूतावास नहीं है, न केंद्र का कोई कार्यालय है,
तो इसलिए इसका सरल और समाधान है कि एनडीएमसी का एरिया जहां दुनिया के कार्यालय हैं और जहां देश का कार्यालय है वो केंद्र सरकार संचालित करे और बाकी पूरे दिल्ली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार और अपमानित करना बंद किया जाए। आगे का मैंने जैसे कहा कि अभी दो चरण आज की बैठक में निर्धारित किया है हमने। पहला 17 से 24 जून का सप्ताह जो होगा वो आंदोलन का सप्ताह होगा और दिल्ली में 300 बैठकें हम करने जा रहे हैं। 1 जुलाई को पूरे प्रदेश के लोगों के साथ मुख्यमंत्री बात करेंगे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और आगे के आंदोलन की जो भी रूपरेखा है वो 1 जुलाई को घोषित की जाएगी। इससे पहले विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित होगा उसको फिर हम केंद्र के पास भेजते हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री से या राष्ट्रपति से इसके लिए क्या मिलेंगे? अभी सत्र में जो चर्चा प्रस्ताव पारित होगा वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जो हम प्रस्ताव यहाँ पारित करेंगे उसको भी लेकर के इन 300 बैठकों में जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। और दूसरा, ये जो भाजपा का जो धोखेबाजी है, यू टर्न है, और कांग्रेस का, इनका पोल खोल भी इन 300 बैठकों में किया जाएगा कि दोनों पार्टियां पानी पी पी करके पूर्ण राज्य की बात कर रही थीं और आज वो दोनों यू टर्न क्यों मार रही हैं, धोखा क्यों दे रही हैं। तो विधानसभा का प्रस्ताव और भाजपा कांग्रेस का यू टर्न दोनों ये 300 बैठकों में चर्चा का रहेगा। 1 जुलाई तक हम केंद्र सरकार के रुख का इंतजार करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति घोषित करेंगे। ये अब 19 के चुनाव के लिए चर्चा बहुत आम है कि एक महागठबंधन बनेगा, छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठी होंगी, क्या उन पार्टियों के बीच जाने के लिए आपकी शर्त ये होगी कि दिल्ली को पूरा अधिकार मिले उसके बाद समर्थन होगा? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के विकास के काम को आगे हम बढ़ा रहे हैं और दिल्ली के लोगों के साथ जो ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, काम की रफ्तार को रोका जा रहा है, जो ब्रेकर पैदा किया जा रहा है, इसके लिए आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का यही निर्णय है। महागठबंधन लड़ेगा या आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी? आम आदमी पार्टी लड़ेगी। गोपाल जी, स्थिति ये आ गई है कि संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरीके से आप लोग चुनौती दे रहे हैं और एलजी दिल्ली छोड़ो जैसे नारे दिए हैं वो आपने दिया है, आपकी पार्टी ने आज दिया है, इसकी क्या जरूरत? देखिए, पहली बात यह है कि इस देश के अंदर अंग्रेजों ने भी एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई थी 1935 में। देश के अंदर चुनाव कराया, वायसराय को सर पे बिठा रखा था। 1947 में देश के अलग अलग राज्य आज़ाद हो गए। अलग अलग राज्यों में भी जब छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, अभी तेलंगाना बना, जनता के जब सरकारें, जनता के अधिकार, संवैधानिक अधिकार जनता का है कि चुनी हुई सरकार और वहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। अगर दिल्ली में राजधानी में रहना गुनाह है, देश भर में अगर हम जाएँ तो हमारे वोट पूरा होता है और दिल्ली में आते हमारे वोट की कीमत आधा हो जाती है, संविधान का अपमान है। और इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूती से सवाल को उठा रही है। मसला एलजी का है ही नहीं, मसला ये है कि दिल्ली के अंदर जनता का राज होगा या एलजी का राज होगा। भारत के संविधान में यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग वोट देते हैं, नोट और वोट जब पूरा हिंदुस्तान देता है तो राज जनता का होता है। दिल्ली के लोग जब टैक्स देते हैं और वोट देते हैं तो राज एलजी का चलता है क्यों? ये सवाल है हमारे सामने और इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। 2019 की तैयारी मानी जाए इसे। थैंक यू। पूर्ण राज्य की तैयारी मानी जाए।